आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। विजय का केस वापस गर्म हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आया हूँ। दोस्तों ये तो मुझे पता था कि अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 सिनेमाघरों में चलने वाली है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है, लेकिन ये नहीं पता था कि हिट होने के साथ साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने वाली है और फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली है। जहां दोस्तों दृश्यम 2 ने सिर्फ अपने पहले दो दिनों में ही अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अभी तक सारे बड़े अभिनेताओं के रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं और दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच के रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों दृश्यम 2 को आज सिनेमाघरों में दूसरा दिन चल रहा है और बात करने वाले इस वीडियो में दृश्यम 2 फिल्म के पूरे दो दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। दोस्तों अगर बात करें दृश्यम 2 की तो अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे पहले अजय देवगन की दृश्यम 2 का पहला पार्ट दृश्यम पहले बन चुकी है। ऑडियंस को वो फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसी वजह से अजय देवगन के फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे दृश्यम 2 को लेकर। और जैसे ही दृश्यम 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म के मेकर्स ने, फिल्म के जो डायरेक्टर थे अभिषेक पाठक, उन्होंने फिल्म की स्टोरी को इस तरह से जड़ा और फिल्म की स्टोरी को इतनी शानदार तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आगे फिल्म को दिखाया कि वाकई ये फिल्म हैरान कर देने वाली है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा तूफान मचाने वाली है क्योंकि हर किसी को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। सभी लोग फिल्म देखने के बाद ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद ऐसी शानदार फिल्म देखने को मिली है। जहां दोस्तों आपको बताता चलूं मैं कि फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ तब वो अक्षय खन्ना भी अहम किरदार में नजर आए हैं और फिल्म का जो बजट है वो लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए के आसपास है। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 80 करोड़ रुपए बजट है फिल्म का, क्योंकि प्रमोशन में जो खर्च हुआ है फिल्म के वो लगभग 15 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। तो आप मान के चलिए लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए बजट है फिल्म का। तो अगर बात करूं मैं फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और रिकॉर्ड की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म दृश्यम 2 जो है अभी तक साल 2022 में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है दूसरे नंबर पर है हर चीज में, हर मतलब कमाई करने के मामले में भी, रिकॉर्ड करने के मामले में भी, एडवांस बुकिंग के मामले में। ब्रह्मास फिल्म के बाद अगर अब किसी का नंबर आता है तो वो दृश्यम 2 का आता है। अक्षय कुमार को पीछे छोड़ दिया है, अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ दिया है। बात करूं फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अपने पहले दिन 15 करोड़ 40 लाख रुपए की इंडिया से नेट कमाई की थी दृश्यम 2 ने। वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था लगभग 18 करोड़ 20 लाख रुपए का। वहीं ओवरसीज से फिल्म ने लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई की। तो फिल्म का पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 23 करोड़ रुपए का। बात करूं मैं दूसरे दिन यानी कि आज की, दोस्तों आज की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 22%, उसके बाद जो आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी देखी गई वो थी 28% और अभी जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी है ये 37% की हो चुकी है। तो फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडिया से 21 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, तो वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में लगभग 30 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली है। तो अगर बात करूं मैं पहले दो दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो पहले दो दिनों में दृश्यम 2 का 36 करोड़ 40 लाख रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा। वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में 53 करोड़ यानी कि 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। तो दोस्तों आपको कैसे लगी फिल्म दृश्यम 2 कमेंट में जरूर बताइएगा।